हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से शाहरुख डिटेल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे घर के अंदर जो सेट बॉक्स होता है वो एलईडी से कनेक्ट होता है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं ये अगर प्रॉब्लम आ जाती है आपके एलईडी टीवी पर भी तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, किसी को नहीं पता होता कि ये क्या मोड होते हैं, इसमें भी अलग अलग मोड्स होते हैं दोस्तों, इनपुट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो उसके अंदर अगर आपका दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा सेट बॉक्स होता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है हमारी एलईडी टीवी से। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको वापस से कनेक्ट कैसे करते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलग अलग मोड्स होते हैं। अगर आपके सेट बॉक्स के पीछे अलग पिन लगी हुई है तो उसके लिए कौन सा मोड आपको चुनना होगा, तभी दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्यूशन हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी हो दोस्तों आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले एलईडी के पीछे। ठीक है दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी इसके अंदर देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बैक साइड में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस, आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एलईडी की स्क्रीन देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको सभी चारों ओर एलईडी के अंदर मच्छर ही मच्छर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं एंटीना सेटअप, यानी दोस्तों ये एंटीना का मोड अभी चालू हो चुका है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बॉक्स लगा हुआ है वो डी डी फ्री डिस्क का है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है आपके जो सेट बॉक्स के पीछे कौन सी पिन लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एच डी एम आई पिन लगी हुई है या फिर आपका ऑडियो वीडियो की पिन लगी हुई है। तो मेरे यहाँ पर देख सकता है यहाँ पर जो पिन है वो ए वी ऑडियो की है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो और भी कोई पोर्ट्स नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब इन पिन को हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चित्र है वो नहीं आते हैं। तो उसका क्या कारण है? वो दोस्तों ये कारण है कि ये जो आपकी एलईडी है वो अभी सेट बॉक्स के कनेक्ट नहीं है। तो कहीं स्पीचे की ओर देखा जाए तो आप देख सकते हैं अलग अलग पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको तो हमने प्लगिंग किया हुआ है, ये तो दोस्तों हो चुका है अपना इस कनेक्शन का जो वो लाइट होती है उसका जो 12 वोल्ट का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो पीला पोर्ट है इसके अंदर हम पीली इस वीडियो केबल को डाल देते हैं। उसके बाद में जो ऑडियो की केबल होती है दोस्तों, ये ऑडियो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस जो कलर है कलर वाइज कलर इसको डाल देना। तो गाइस, ये तो हो चुका है अभी यहाँ पर कम्प्लीट प्रोसेस। और दोस्तों, एच डी एम आई के लिए आपको अलग से पोर्ट्स मिल जाता है, इसको बोलते हैं एच डी एम आई। किसी बॉक्स के अंदर ये लगती हैं जो कि एच डी का बॉक्स होता है। अब दोस्तों, हम इसको वापस से सीधा कर देते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी भी यही आ रहा है। तो गाइस, अब आपको क्या करना होगा, इसको इनपुट देना होगा। इनपुट देने के लिए आपके पास में रिमोट होना चाहिए या फिर आप अपने एलईडी के पीछे भी देख सकते हैं उसके अंदर दोस्तों किसी के अंदर इनपुट लिखा हुआ आता है तो किसी एलईडी के अंदर यहाँ पर सोर्स लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर इनपुट लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपका रिमोट ऐसा नहीं है तो आपके रिमोट के अंदर एस ओ यू आर सी सोर्स नाम का बटन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसके सामने फ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसको जैसे ही यहाँ पे फ्रेश किया तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटीना एच डी एम आई पी सी और सब अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आपको क्या करना होगा, अगर आपने ऐसी पिन कनेक्ट की हुई है यहाँ पर दिखा रहा है तो आपको इस पर जाके सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आपके काली पिन लगी हुई है एच डी एम आई की तो आप इस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। पी सी मोड यहाँ पर आपको लैपटॉप के जो भी आपको पी सी चलाना होता है उसके लिए आपको मिल जाता है, जो कि दोस्तों हमारा सी पी यू कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एंटीना मोड है तो हम चलते हैं यहाँ पर एवी पर। तो गाइस, यहाँ पर हम एवी पे आ चुके हैं और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पे सेट बॉक्स है वो बिल्कुल सही तरीके से हमारा चालू हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सेट बॉक्स की वॉइस कम ज़्यादा करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कम ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर आप रिमोट देख सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने एलईडी टीवी को इनपुट देना आसानी से सीख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।